मानव सभ्यता पर मंडरा रहा है खौफनाक खतरा। क्या हमारी दुनिया खतरे में है? ग्लोबल वार्मिंग के चलते ग्लेशियर्स के पिघलने से क्या सब जगह पानी पानी हो जाएगा? क्या सच में समुद्र किनारे बसे देश हो जाएंगे? दुनिया के नक्शे से गायब, कैसी दिखेगी हमारी दुनिया? अगर अंटार्कटिका में फैली बेशुमार बर्फ पिघल गई, हमारी आज की इस वीडियो में आपको हम इन सभी सवालों के जवाबों से रूबरू करवाएंगे। नमस्कार और स्वागत है आप सभी का। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। विश्व का सबसे सुदूर ठंडा और बर्फीला इलाका है अंटार्कटिका का 98% हिस्सा एक विशालकाय आइसशीट से ढका हुआ है। ये आइसशीट खुद में 26 मिलियन क्यूबिक किलोमीटर बर्फ समाई हुई है। आज विश्व भर में ग्लोबल वार्मिंग मानव जाति की सबसे बड़ी चिंता का विषय बन चुका है। वातावरण में तेजी से बदलाव आ रहे हैं। वैज्ञानिकों के मुताबिक ऑक्सीजन की तुलना में धीरे धीरे कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ रही है, जिस कारण हमारे ग्रह का तापमान बढ़ता जा रहा है। ये सब प्रदूषण की ही देन है। इस बढ़ते तापमान की वजह से धरती पर मौजूद बर्फ पिघल रही है। दुनिया की सबसे ठंडी और शुष्क हवाओं वाला महाद्वीप अंटार्कटिका दक्षिणी दिशा में 140 लाख वर्ग किलोमीटर तक फैला हुआ है। अंटार्कटिका में आइस लेयर की औसतन थिकनेस 2 किलोमीटर है। दुनिया की 90% बर्फ इसी महाद्वीप पर मौजूद है, लेकिन ये सारी बर्फ धीरे धीरे पिघल कर पानी बन रही है और इससे सी लेवल लगातार बढ़ने लगा है। और अगर ये सारी बर्फ पिघल गई तो समुद्र में पानी का लेवल लगभग 200 फीट तक बढ़ जाएगा। समुद्र के किनारों पर बसे सारे देश पानी के अंदर समा जाएंगे। बर्फीले देशों में रहने वाले बोलर बियर और पेंगुइन जैसे जीवों का अस्तित्व मिट जाएगा। ग्लेशियर्स हमारे ग्रह पर मीठे पानी का सबसे बड़ा स्रोत है। अगर ये समुद्र में मिल गए तो पीने लायक पानी की कमी से भी मनुष्य जाति को जूझना पड़ सकता है। पिछले 100 सालों में धरती का औसत तापमान 1 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ा है। ये सुनने में भले ही ज्यादा ना लगता हो, पर तापमान में आई इस बढ़ोतरी से सी लेवल 6 से 8 इंच तक बढ़ गया। वैज्ञानिक की माने तो अंटार्कटिका की सारी बर्फ को पिघलने में कम से कम 5000 साल लगेंगे, लेकिन ये इससे भी कम समय में पिघल सकती है। अगर ऐसे ही प्रदूषण बढ़ता रहा तो इस बढ़ते विनाश का कारण हम इंसान ही तो हैं, जो दिन ब दिन इस प्रकृति को नोचने में लगे हुए हैं। आप दुनिया में कहीं भी रहते हो, फर्क पड़ता है। बिजली बचाएं, पानी बर्बाद ना करें, ईंधन का सीमित प्रयोग करें। आज हमने जाना कि क्या होगा अगर अंटार्कटिका की सारी बर्फ पिघल गई तो। आज की इस वीडियो में इतना ही। हमें उम्मीद है आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। ऐसी और भी इंटरेस्टिंग वीडियो देखते रहने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। अपने लाइक्स और शेयर के साथ हमारा हौसला भी बढ़ाते रहे। अब हमें इजाजत दीजिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।